सतावरी पाउडर या सतावरी टैबलेट, इन दोनों में से कौन सा सबसे इफेक्टिव है? सतावरी टैबलेट कौन से ब्रांड का अच्छा है? सतावरी टैबलेट लेने से काम होता है या नहीं? सारे के सारे सवाल जो मेरे पास आते रहते हैं, तो उन्हीं का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, अगर 10 कमेंट्स मेरे सतावरी वीडियो पे आता है, तो उनमें से 8 कमेंट में ये पूछा जाता है कि सतावरी टैबलेट क्या इफेक्टिव है, सतावरी पाउडर या सतावरी टैबलेट कौन सा लेने से हमारे रिजल्ट सबसे अच्छे आएंगे। तो इसी सवाल का आपका मैं आज जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सतावरी पाउडर, सतावरी टैबलेट, दोनों के दोनों मैंने अपने ऊपर ट्राई किए और उसका जो रिजल्ट मुझको मिला है वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि डिफरेंट बॉडी हॉर्मोन्स की वजह से डिफरेंट लोगों में ये डिफरेंट रिजल्ट आए, लेकिन लगभग जो है रिजल्ट, जो इफेक्ट है वो समझ में आ जाता है, वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हिमालया का सतावरी टैबलेट, ये जो सतावरी टैबलेट है हिमालया का, ये मैंने ट्राई किया और ये ब्रांड के हिसाब से हिमालया अच्छा है। मैंने पतंजलि का सतावरी पाउडर, पीली सतावरी पाउडर जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी कुछ साल पहले, वो बार बार मैंने आपके कमेंट्स का जवाब दिया है उसमें। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा एक वीडियो है जो सबको रिजल्ट दे रही है। दोस्तों, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा बेटर है और कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ब्रांड के हिसाब से पतंजलि काफ़ी अच्छी है। पाउडर सतावरी अगर आपको लेनी हो तो पतंजलि का पाउडर सतावरी बहुत अच्छा है, और अगर आपको टैबलेट लेनी हो तो हिमालय का ब्रांड काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने हिमालय का ब्रांड ट्राई किया। तो दोस्तों, ये जो हिमालय का ब्रांड है, ये मैंने सुबह शाम दोनों टैबलेट लिया, और सतावरी के जो कि बहुत सारे फायदे हैं उसमें से एक है कि ये ब्रेस्ट ग्रोथ को है। अगर आपका ब्रेस्ट या वजन कम है, अगर ब्रेस्ट साइज कम है, तो आप सतावरी ले सकते हो, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपका ब्रेस्ट में मिल्क बहुत अच्छी आती है। इन सारे के सारे गुण के लिए सतावरी हम लेडीज लोगों के लिए एक वरदान है जो हम यूज़ कर सकते हैं। 15-16 साल टीन एज ग्रुप से बहुत ज़्यादा उम्र तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टीन एज से स्टार्ट करके हर उम्र के महिलाएं इसको ट्राई कर सकती हैं। छोटे छोटे दो गोली होते हैं। ये जो टैबलेट मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये जो हिमालय का टैबलेट है छोटे, इसमें सतावरी का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन पाउडर में क्या होता है, 100% प्योर होता है। दोस्तों, मैंने जो दोनों के दोनों ट्राई किए उसमें से मुझे लगा कि सतावरी पाउडर जो हम दूध के साथ लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें जो है 7-8 दिन में आपका जो रिजल्ट है आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो शायद आपका रिजल्ट काफ़ी लेट आए, बट अगर आप ठीक ठाक मिडिल उम्र के हो, टीन एज हो, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों, पाउडर जो सतावरी हम दूध के साथ घोल के दिन में 2 बार लेते हैं, उनमें इफेक्ट मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि उसमें 7-8 दिन में काफ़ी जल्दी उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इफेक्टिव भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो दूध के साथ लिया जाता है। और दोस्तों, ये जो ब्रांडेड हिमालय ब्रांड का सतावरी मैंने ट्राई किया, ये आप 2 टैबलेट सुबह शाम मील के बाद अगर आप ले लो तो 7-8 दिन में उतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। हाँ, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, उतना जल्दी नहीं मिल पाता है। अब लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ करो तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन पाउडर से अच्छा नहीं है, ये मैं बताऊँगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बॉडी के हिसाब से हर लोगों पे इफेक्ट डिफरेंट होता है, समय कम ज़्यादा होता रहता है, जो मैं कमेंट्स में आपको बताती रहती हूँ कि इसका जो इफेक्ट है उम्र के हिसाब से, हॉर्मोन्स के हिसाब से जल्दी आता है किसी का लेट आता है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, लेकिन लगभग जो है इफेक्ट सभी में, सतावरी पावरफुल हर्ब है और उसका इफेक्ट सभी महिला में लगभग होता है, और टैबलेट्स का भी इफेक्ट होता है, बट टैबलेट से अच्छा होता है पाउडर जो दूध के साथ लिया जाता है। अगर आप टैबलेट्स भी ले रहे हो फिर भी आपको एक फुल मिल्क, मतलब होल मिल्क जो होता है, फुल क्रीम मिल्क आपको लेनी चाहिए सुबह शाम, जो आपके बॉडी को उससे जो प्रोटीन है वो मिलेगा, वो जो फैट है वो मिलेगा। इसीलिए आपका दूध लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सतावरी लेना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, लगभग ये जो जिस्ट है कि अगर आप सतावरी ट्राई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप पाउडर चुनिए, क्योंकि ये इफेक्ट बहुत जल्दी देता है। और अगर आप बहुत दिनों से ले रहे हो और आप फिर भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपके पास उतना टाइम नहीं है दूध पीने के लिए या कुछ भी, तो आप हिमालय का जो ये ब्रांडेड सतावरी टैबलेट्स है ये भी ट्राई कर सकते हो। ये खराब, मतलब वेस्ट नहीं है, बट रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं आता मेरे हिसाब से, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए बेस्ट है कि आप पीली सतावरी पाउडर पतंजलि ब्रांड का ले लो, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो। पतंजलि ब्रांड एक काफ़ी अच्छी ब्रांड है, उसमें सतावरी का कॉन्टेंट भी पाउडर में बहुत अच्छा होता है,
और अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल करनी हो तो कमेंट में यू आर वेलकम ऑलवेज। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जो कमेंट्स आता है, सवाल आता है, उसका जवाब मैं देती रहूँ। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट अगर आपको कोई भी सवाल करनी हो। और दोनों में से अगर आपको लेनी हो तो पाउडर चूज़ कीजिए, या लॉन्ग टर्म में लेनी हो तो टैबलेट चूज़ कीजिए। दोनों के दोनों ही अच्छे हैं, बट इफ़ेक्ट इन दोनों का अलग है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।